अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फुरकान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जू प्ले की ऐप में बल्ले बल्ले के कोड को किस तरह डाल सकते हैं और अपने एनिमल के सेट्स कंप्लीट करके इनामात जीत सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर से जू प्ले की ऐप को डाउनलोड कर लें। मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, आप इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लें। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि कोड किस तरीके से देखना है, तो कोड अगर आपको कोड देखने में कोई परेशानी हो रही है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको अपने पैकेट से कोड नहीं मिल रहा है तो आप वो वीडियो देखकर कोड ईजीली सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले ये ऐप के अंदर कोड इंसर्ट करने को देगा, तो मैं यहाँ से इसको अभी क्रॉस करूँगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसमें अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। आप वहाँ से शुरू में भी इसको कोड डाल सकते थे, लेकिन पहले इसमें अकाउंट बना लें, उसके बाद देखते हैं कि कोड और कहाँ से हम डाल सकते हैं। ये मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पर ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। अकाउंट बनाना कोई इसमें मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ दो चार बातें हैं। इसके अंदर आपका नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह देना होगा, तो आप खुद भी बना सकते हैं। यहाँ जहाँ लिखा है ये जू प्ले और माई जू, इन दोनों में जाके आप अपने बल्ले बल्ले के पैकेट के अंदर के कोड डाल के कैप्चर किए हुए एनिमल देख सकते हैं जो आपने पहले कैप्चर किए होंगे। यहाँ मैंने ये चार एनिमल कैप्चर किए हुए हैं। अब मैं माई सेट्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मेरे सेट आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये छः सेट हैं। इन छः सेटों को कंप्लीट करना है इनाम जीतने के लिए। अब जैसे ये इन सेटों में मेरे पास कुछ एनिमल कैप्चर हुए हुए हैं, ये पूरा सेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से अपना प्राइज क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्राइज हैं इसके अंदर। आईपॉड है, मोबाइल है, टैबलेट है और भी बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ से सारे ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर प्राइस हैं। जब हमारा कोई सेट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से ये अनलॉक का ऑप्शन हट जाएगा और इस पर हम इसके बाद हम यहाँ से इसको क्लेम कर सकते हैं। जो चीज़ हमको चाहिए होगी वो हम क्लेम कर सकते हैं। यहाँ शो सेट्स पर क्लिक करके हम वापसी अपने सेट देख लेते हैं कि हमारे पास कितने एनिमल कैप्चर हैं, और यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से भी हम वही प्राइस देख सकते हैं जो हमने वहाँ से प्राइस अभी देखे हैं। और वीकली एंड कंटेस्ट प्राइजेस भी हैं, जिसके बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से प्राइस जीत सकते हैं। यहाँ वीकली एंड कंटेस्ट पे टैप करके आप देख सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि किस तरीके से आप ये विन कर सकते हैं। यहाँ से हेल्प में जाकर आप सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हमको एनिमल कैप्चर करना है और किस तरीके से प्राइस वगैरह जीतने हैं, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये माई टाइटल पे टैप करके आप देख सकते हैं कि आप कितने प्राइस जीत चुके हैं, और यहाँ पर विनर्स पे टैप करके आप देख सकते हैं कि किस किस को प्राइस मिल चुके हैं। यहाँ पर ये वीकली कंटेस्ट के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ूकीपर में लगा के आप देख सकते हैं कि कौन कौन इनाम जीत चुका है। यहाँ पर ऐड एनिमल पे क्लिक करके भी आप अपना कोड इंटर कर सकते हैं, और प्ले के बटन पे टैप करके भी आप अपना कोड इंटर कर सकते हैं। तो मैंने प्ले के बटन पे टैप किया और यहाँ से ऐड एनिमल पे मैं टैप करूँगा। अब यहाँ पर मैं अपना कोड इंटर कर दूँगा, जो मेरे पास रेपर है जिसमें मैंने अपना कोड देखा है वो मैं यहाँ पर इंटर कर दूँगा। अब ये मेरे पास तोता कैप्चर हो चुका है। ये जस्ट प्ले का जो ऑप्शन है, ये सिर्फ जस्ट फॉर फन है। इसको जाके आप अपने एनिमल को चला सकते हैं अपनी जगह पे। ये वार्निंग दे रहा है कि कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना, इसको आप प्ले कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको QR कोड से स्कैन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये QR कोड को स्कैन नहीं करना है। इससे हमें पूरा बल्ले बल्ले का पैकेट स्कैन करना है। और मैं फिर बता दूँ कि ये सिर्फ जस्ट फॉर फन है, इसका हमारे प्राइस वगैरह से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हम ऐसे ही खेलने करने के लिए है।
यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको आप खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसको आप खुद चेक कर सकते हैं, सिर्फ जस्ट फॉर फन है। फोटोग्राफिक्स का कंटेस्ट शुरू होने वाला है तो हो सकता है वहाँ इसकी ज़रूरत पड़े, ये कंटेस्ट का हिस्सा हो, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका कोई काम नहीं है तो फ़िलहाल मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसको आप खुद चेक कर सकते हैं। अब यहाँ मैं बैक का बटन दबा के इसको एग्जिट कर दूँगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो आपके पास नोटिफिकेशन आई होंगी वो सारी यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा ये जो स्पेल पिले है ये भी जस्ट फॉर फन है, कि इसमें एनिमल्स की स्पेलिंग हमको बतानी पड़ती है, उनकी तस्वीरें होती हैं उनकी स्पेलिंग बतानी पड़ती है। इसका भी हमारे प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, बस फन के लिए एक इन्होंने यहाँ पर गेम दिया हुआ है। एक बार फिर हम अब ये ज़ू पिले या माई ज़ू पर टैप करके देख लेते हैं, और इस बार मैं बता देता हूँ दोबारा से, जो हमारा जो मेन काम है सिर्फ हमको पिले पे जाके कोड इंटर करना है और हमारा एनिमल ये यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा जो यहाँ पे नज़र आएगा। ये हमको सेट कंप्लीट करने हैं, ये जब सेट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से इसको हम क्लेम कर सकते हैं, जो कुछ हमको चाहिए वो हम यहाँ से क्लेम कर सकते हैं जब हमारा कोई सेट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम इसको यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। ये जो साइड में हमारा स्कोर आ रहा है ये हमारा वीकली कंटेस्ट में काम आता है, यानी कि हम देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा स्कोर इस वक्त ये है और इस वक्त जो वीकली कंटेस्ट जीते हैं उनका स्कोर क्या है, तो अगर हमारा स्कोर सबसे ज़्यादा होगा तो हम जीत जाएंगे। अब ये स्कोर हमको मिलता कैसे है, जब हम कोई एनिमल हम कैप्चर करते हैं तो उस एनिमल के साथ एक स्कोर दिया हुआ होता है, जो एनिमल के स्कोर होता है वो सारा यहाँ पर सम होकर हमारा यहाँ पर आ रहा होता है। उम्मीद है कि इसके बारे में सब समझ आ गया होगा, मैंने सब इसके बारे में तकरीबन बता दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी राय से हमें आगाह करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।